मनोज तिवारी के दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली प्रदेश भाजपा में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और कार्यकर्ताओं के हाथों में मौजूद यह गदा और तलवार बीजेपी के उत्साह और इरादों को साफ बयां कर रही है। ये तस्वीरें शकूरपुर में आयोजित बीजेपी जिला केशवपुरम के एक कार्यकर्ता सम्मेलन की है। इस सम्मेलन में उमड़ी भीड़ और उसका उत्साह बता रहा है कि यहाँ के कार्यकर्ता नए प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को किस कदर स्वीकार रहे हैं। जिला अध्यक्ष रोशन कंसल ने जिले के सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया ही नहीं किया बल्कि प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से सभी का स्वागत भी कराया। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी की साइट से चंदे की डिटेल हटाने को 1400 करोड़ का घोटाला करार दिया है। मनोज तिवारी ने अपने जाने माने अंदाज में दिल्ली की आम आदमी पार्टी और उसके सरकार को आड़े हाथ लिया। खुलासा तो पहले भी हुए हैं, लेकिन कल जो खुलासा हुआ कि उनके साइट पे जो चंदे का डिटेल था उन्होंने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि उनके चंदे के डिटेल में 1400 करोड़ रुपए का घपला है, गलत पैसा, 1400 करोड़। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पता नहीं है किधर, मुझे नहीं पता, नहीं अभी तो पता नहीं कहाँ है। पैसा यहाँ का, रुपया यहाँ का, गाड़ी यहाँ की, डीजल यहाँ का, पेट्रोल यहाँ का, लेकिन काम कहीं और कर रहे हैं। जिला केशवपुरम अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के स्वागत में शकूरपुर और उसके आसपास के इलाके पोस्टर और होर्डिंग से पटे हुए थे। कार्यकर्ता सम्मेलन स्थल को पूरी तरह सजाया गया था। भीड़ ऐसी कि लोगों को बालकनी में खड़ा होना पड़ा। मनोज तिवारी ने इस मौके पर एक गरीब बच्ची को सेंट्रल स्कूल में सांसद कोटे से दाखिला दिलाने की घोषणा भी कर दी। प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के तेवर और तुकबंदियों से कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष भी खासे खुश नजर आए। आयोजन केशवपुरम जिले ने किया है और सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी ऊर्जा का संचार हुआ है और मैं कहता हूँ मेरे 20 के 20 मंडलों ने जो हिम्मत, जो जज्बा पूरी जिले की टीम ने दिखाया है, सभी मोर्चों के पदाधिकारियों ने दिखाया है, मैं इन सब का ऋणी हूँ, आभारी हूँ। लेकिन ये जरूर है कि 16 तारीख की मॉर्निंग से लेके आज 27 तारीख की सुबह तक मैं और मेरे कार्यकर्ता घर नहीं बैठे, हर कार्यकर्ता का घर टच गया है, क्योंकि मोदी जी का सपना साकार करना है, मनोज तिवारी भाई का सपना साकार करना है और हमें अपनी भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर लेके। मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गोवा और पंजाब दौरों को दिल्ली की जनता के पैसे का दुरुपयोग बताया और कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता आप सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प ले चुके हैं। पता नहीं कहाँ है पैसा यहाँ का, रुपया यहाँ का, गाड़ी यहाँ की, डीजल यहाँ का, पेट्रोल यहाँ का, लेकिन काम कहीं और कर रहे हैं। इस नई टीम में नयापन नजर आ रहा है और यह नयापन आने वाले निगम चुनाव और संगठन में भी नजर आए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली दर्पण ब्यूरो रिपोर्ट।